हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि गार्लिक के प्लांट को कैसे ग्रो करना है। जैसे कि हम सबको पता ही है कि गार्लिक के बिना सब्ज़ी अधूरी होती है, क्योंकि हर सब्ज़ी में गार्लिक लगता ही है। इसलिए हम आज देखेंगे कि गार्लिक को कैसे लगाना है। इसके लिए पहले आपको ऐसे एक गार्लिक लेना होगा। ये अलग अलग वैरायटी में आता है, देसी वैरायटी, चाइनीज़ वैरायटी, तो सभी को लगाना एक ही स्टाइल में होता है, मतलब सभी को एक ही डिज़ाइन में लगाना पड़ता है। जैसे कि इससे मैंने कुछ इंडिविजुअल ऐसे लहसुन ले लिया है, ये देखिए। ऐसे इसको लगाने के लिए आपको ये पोर्शन ऐसे नीचे दबा के लगाना पड़ेगा, और जब हम इसे इंडिविजुअली ऐसे इस बड़े वाले लहसुन से तोड़ेंगे, तब हमें ये ध्यान में रखना है कि ये वाला पोर्शन जो हम नीचे मिट्टी में दबाएंगे वो ख़राब ना हो, क्योंकि वो ख़राब होने से हमारा लहसुन अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसका पॉटिंग मिक्स के बारे में बात करते हैं, तो इसे सैंडी सॉइल पसंद है, जिसमें से कि नीचे से ज़्यादा पानी निकल आए, वैसा, मतलब पोरस मिट्टी होना चाहिए, और इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वाली मिट्टी होनी चाहिए। इसलिए हम इसमें कंपोस्ट डाल सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, 20% वर्मी कंपोस्ट, या आप कोई भी वो पत्तों की जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट या किचन वेस्ट से भी बनी हुई वो भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर गोबर का खार भी ले सकते हैं। आप इस कंपोस्ट के साथ रिवर सैंड या बालू मिट्टी और ये गार्डन सॉइल के साथ मिला के आप इसको उगा सकते हैं। इसको उगाना बहुत ही आसान है। पहले हम मिट्टी को पूरी तरह से भर लेते हैं टब में, उसके बाद इसे अच्छे से पानी डाल के मॉइस्ट कर लेंगे, ताकि नीचे से ड्रेनेज होल से पानी निकल आए, और फिर हमें लहसुन को लेकर ऐसे ऐसे दबाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे एक एक गड्ढा ऐसे बना लेना पड़ेगा, उसके बाद इसे ऐसे अंदर डालना पड़ेगा, ये पोर्शन ऊपर रहेगा। और इसे फिर पहले हमें इसे थोड़ा ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, मतलब जब ये मिट्टी सूख जाएगा उसके बाद हमें पानी डालना पड़ेगा। हमें ऐसे जब हम पहले देंगे, तो हम सेकेंड टाइम पानी देने से पहले मिट्टी को ऐसे टेस्ट कर लेंगे कि उसका मिट्टी सूखा है कि नहीं। ऐसे उंगली डाल के भी हम देख सकते हैं कि मिट्टी सूख गया है कि नहीं, तब हम पानी देंगे। ज़्यादा पानी देने से भी लहसुन रॉट हो सकता है और ख़राब हो सकता है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं देंगे। और इसे सनलाइट बहुत पसंद है, इसलिए हम इसे सनलाइट में रखेंगे, और ये ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडा में नहीं लगाया जाता। वैसे तो ये होल ईयर लगता है, लेकिन अगर हम इसे ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्मी में लगाएंगे, तो इसका गार्लिक जो नीचे, मतलब लहसुन ग्रो नहीं करेगा। स्टेम्स तो निकल आएंगे ऐसे, लेकिन गार्लिक अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो अभी सीज़न है, तो आप इसे अच्छे से लगाइए अपने टब्स में, और घर में ही गार्लिक पाइए। तो ये लगाना बहुत ही आसान है, आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी लगाया था, ये देखिए मेरा अच्छे से स्टेम्स निकल आ रहे हैं। मैंने देखा नहीं अभी, शायद इसके नीचे लहसुन ग्रो कर रही होगी। तो
थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।